किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह देश के पांचवें प्रधानमंत्री थे। वह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे। उनका कार्यकाल केवल 5.5 महीने तक चला। उनका देहांत 84 साल की उम्र में 29 मई 1987 को हुआ। चौधरी चरण सिंह का पैतृक गांव जिला हापुड़ में पड़ता था। जन्म के बाद उनका बचपन मेरठ जिले के भूपगढ़ी गांव में गुजरा। बिलौक जानी के इस गांव भूपगढ़ी में इनके ताऊ गजपतर सिंह रहते थे। करीब 6 साल की उम्र में ये अपने ताऊ के पास आकर रहने लगे थे। ग्रामीणों ने बताया, भूपगढ़ी गांव के पास ही जानी खुर्द गांव के सरकारी स्कूल में वह पढ़ने आते थे, जो उनके गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर है। वह पैदल ही गांव से दूसरे बच्चों के साथ पैदल आते थे। वे यहाँ कक्षा 4 तक ही पढ़ पाए। उसके बाद वह अपने माँ बाप के पास नूरपुर चले गए थे। कुछ साल नूरपुर में रहने के बाद वह फिर वापस पढ़ाई के लिए भूपगढ़ी आ गए थे। बाद में यहीं रहकर अपनी मिडिल क्लास और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। ग्रेजुएशन करने के लिए रोज साइकिल से शहर पढ़ने जाते थे। गांव भूपगढ़ी में रहने के दौरान चरण सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया था, जिसके कारण 1941 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जिला कारागार में उन्हें बैरक नंबर 9 में रखा गया था। आज इस जिला कारागार का नाम भी चौधरी चरण सिंह के नाम पर ही है। उनके साथ उनके बचपन के दोस्त छोटन लाल उपाध्याय भी जेल गए थे। इन्होंने मेरठ, मवाना, सरदना, गाजियाबाद, बुलंदशहर आदि में गुप्त क्रांतिकारी संगठन तैयार किए थे। चौधरी साहब को बचपन से ही मिठाई खाने का बहुत शौक था। जब वह भूपगढ़ी में रहते थे तो जानी गांव में आकर मुन्नू हलवाई के पेड़ा खाते थे। बताते हैं, दिल्ली में जब कोई गांव वाले उनसे मिलने जाता था तो वह मुन्नालाल हलवाई के पेड़े उनके लिए लेकर जाता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1980 में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए ये जानी गांव आए थे। ग्रामीणों की माने तो उस वक्त भी चौधरी साहब ने मुन्नू की दुकान से पेड़े मंगाकर खाए थे। इस गांव में इनके जन्मदिन पर हर साल हवन किया जाता है। स्कूल में भी बच्चों को चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया जाता है और उनके आदर्शों को अपनाने के लिए कहा जाता है। स्थानीय निवासी दिनेश उपाध्याय का कहना है कि किसानों के लिए चौधरी चरण सिंह ने जो कार्य किया है उन्हें सदैव याद किया जाएगा। इतिहास उनके कार्यों को कभी नहीं भुला सकेगा। तो दोस्तों, ये खबर बस यहीं तक। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। हमारी और खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बराबर में जो बेल का आइकन देख रहे हैं इसे भी टच कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।